आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स, वो रहने वाला है हीरो ग्लैमर BS6 मॉडल वर्सेस पल्सर 125 BS6 मॉडल। आपका काफी सारा कमेंट्स आ रहा था दोनों बाइक्स के बारे में, क्योंकि ये देखा जाए तो ये दोनों ही बाइक्स 125 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक में से एक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोनों का फुल कंपैरिजन करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं फुल कंपैरिजन करूंगा दोनों का। और मैं जैसे कि सब वीडियोस के एंड में बताता हूँ कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन से पर्पस के लिए कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा देख ले, आपकी फुल कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए आगे हम आपको बताते हैं। हमारे सामने खड़ा पल्सर 125 BS6 मॉडल, तो वीडियो को पूरा देखें, एक जरा भी स्किप ना करें, मैं फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी बाइक अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका फ्रंट का। तो फ्रंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रंट के हिसाब से आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, फ्रंट एज इट इज सेम है। तो यहाँ पे टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, सेम आपको हेलोजन लाइट्स देखने को मिल रहे हैं, पायलट लाइट्स आपको सेम देखने को मिलते हैं। इसमें कंपनी ने कोई भी चेंज नहीं किया, LED भी नहीं दिया है। तो अब हम बात करते हैं इसका सामने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको फ्रंट में यूरो ग्रिप का टायर देखने को मिलता है, जो कि जिसका की साइज यहाँ पर आप दिखा दीजिए, साइज आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको 80x100 का देखने को मिलता है, 72 इंच का अलॉय व्हील पे। तो 80x100 का आपको टायर इसमें देखने को मिलता है, और इसमें आपको फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको ABS देखने को नहीं मिलता है फ्रेंड, क्योंकि ये 125 सीसी की बाइक है, तो इसमें आपको ABS देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको CBS देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ बैक ब्रेक अभी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ मूवमेंट दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड, तो ये हुआ CBS। तो जब मैं बैक ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ तो फ्रंट ब्रेक का भी कुछ पार्ट इसमें अप्लाई हो रहा है, तो ये आपका CBS हो गया, जो कि बजाज ने इस बार दिया है इस बाइक में। इसमें आपको ABS नहीं मिलता है। बट अगर आप बात यहाँ पर आप फ्रंट का हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ये कंपनी ने न्यू एड किया है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड से, जिससे कि आपका बाइक का जो विजिबिलिटी है नाइट में वो काफी बढ़ जाता है। तो हमारे सामने खड़ा है हीरो ग्लैमर BS6 मॉडल। जैसा कि आपको हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे इसका फ्रंट कंसोल। तो फ्रंट कंसोल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हीरो का 3D लोगो देखने को मिलेगा, जो कि आपको पहले नहीं देखने को मिलता था, 2D में मिलता था। और इसका फ्रंट का जो वाइजर है उसका डिजाइन को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, और आपका इसका जो लाइट्स है उसका भी डिजाइन को पूरा चेंज कर दिया गया है। आपको यहाँ पर इसमें पायलट लाइट्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसका सामने का, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें कि अगर आप बैक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रंट ब्रेक का भी कुछ पार्ट आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा बात है, जिससे कि आपका बाइक स्किड होने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसका फ्रंट का टायर साइज का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 80x100 का आपको टायर देखने को मिलता है यहाँ पर, जो कि MRF का टायर है। तो MRF का आपको टायर इसमें मिला जा रहा है, जिसका भी ग्रिप रोड पर बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आपको इसमें रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलता है, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। तो रिफ्लेक्टर से क्या होगा कि आपका नाइट में जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और ये आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड से जो इस बार हीरो ने लॉन्च कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसका मीटर कंसोल का। तो मीटर कंसोल तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मीटर कंसोल में आपको सेम मीटर कंसोल देखने को मिलता है, सेम आपको यहाँ पे RPM लाइट देखने को मिल जाती है, ये RPM इंडिकेटर हो गया, स्पीड इंडिकेटर हो गया, ये आपका फ्यूल लेवल इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे आपको न्यूट्रल का लाइट मिल जाता है, ये इंडिकेटर का लाइट हो गया, और एक न्यू लाइट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इंजन माल फंक्शन लाइट, जो कि फ्रेंड्स जो इंजन माल फंक्शन लाइट है वो आपको इस बार ऐड किया है कंपनी ने, क्योंकि बाइक जो है वो अब आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन हो गया है पीछे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको जो बाइक है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन हुआ है, फ्यूल इंजेक्शन नहीं हुआ है, बाकी सारी बाइक जो भी है वो FI हो रहा है, बट इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन मतलब ये कार्बोरेटर ही है, बट अब ये ECU के थ्रू कंट्रोल होगा, मैं आगे आपको सब डिटेल्स दूंगा। तो चलिए हम आगे यहाँ पे आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सबसे पहले सुना देते हैं। एग्जॉस्ट नोट, तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है अगर वो देखा जाए तो पहले के जैसा ही सेम है, वैसा कोई मेजर आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो आप मीटर कंसोल में देख सकते हैं, अभी इसमें जब मैंने ऑन किया तो आपको यहाँ पे इंजन चेक लाइट अभी जल रहा है, तो इंजन चेक लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आपकी बाइक में आती है तो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा, तो आप इजीली जाकर उसे आप चेक करवा सकते हैं अपने नियरेस्ट शोरूम पर या मिस्त्री से। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मीटर कंसोल का। तो मीटर कंसोल दिखा, तो मीटर कंसोल में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सबसे पहला जो आपको चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको इंजन माल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता था, और ये न्यूट्रल का लाइट हो गया, और आपको यहाँ पे स्पीड इंडिकेटर दिखता है, और ये पहले आपको सिर्फ एनालॉग में आता था, और अब ये डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन कर दिया गया, जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है बाइक को। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मीटर कंसोल में, यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर दिखाता है, और ये आपका ट्रिप मीटर हो गया यहाँ पर, और ये इसमें आपको कितना आपका डिस्टेंस चला है वो भी आपको इसमें शो कर जाएगा।
ट्रिप मीटर में। और बात करते हैं, इसमें आपको लो फ्यूल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। अब हम बात करते हैं इसका हैंडल का, तो हैंडल में आप इस साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पास स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिलता है, ये आपका इंडिकेटर का स्विच हो गया और ये आपका हॉर्न हो गया। तो हम आपको हॉर्न का आवाज सुनाते हैं, ठीक है, काफी लाउड है हॉर्न। अब इस साइड में आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको I3S का स्विच देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया, पैशन के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, I3S का जो स्विच होता है ये बहुत यूजफुल होता है ट्रैफिक में आपका। अगर आप ट्रैफिक में अगर अपनी बाइक को बंद करते हैं तो अगर आपका I3S ऑन है तो आप अगर एक्सेलेटर को थोड़ा सा, इसको आप क्लच दबा के अगर आप इसे थोड़ा सा रेव करेंगे तो बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। जैसे कि आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हैं, काफी साइलेंट एग्जॉस्ट नोट है इसका एज कम्पेयर टू BS4 मॉडल, क्योंकि इसका जो इंजन है उसे फ्यूल इंजेक्टेड कर दिया गया है। पहले आपको कार्बोरेटर देखने को मिलता था, तो अब इसका हम आपको इंजन दिखाना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंजन में आपको यहाँ पर फ्यूल मोटर देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्यूल मोटर देखने को मिल जाता है जिसे हम FI फ्यूल पंप बोलते हैं। और यहाँ पर आपको एक न्यू सेंसर ऐड कर दिया है कंपनी ने जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। और इसमें आपको किक भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा बात है, अगर आपकी बैटरी कभी अगर डेड हो जाती है तो आप इजीली। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके इंजन की, तो पहले आपको इसमें कार्बोरेटर मिलता था और अब इसमें FI मिल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया, बट इसका जो सबसे मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो होगा इसका गियर में। तो आइए हम आपको इसे दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको इसमें पहले 4-speed गियर बॉक्स का सेटअप मिलता था, बट अब आपको इसमें 5-speed गियर बॉक्स का सेटअप मिलेगा जो कि काफी अच्छा बात है। तो बाइक का जो पावर है वो आपको पहले से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसका जो चेंज हुआ मेजर, वो इसमें आपको सबसे पहला जो आपको इसमें देखेगा, आपको प्रोग्राम FI देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर बैजिंग देख सकते हैं प्रोग्राम FI की, तो इसमें कंपनी ने इसमें न्यू सेंसर्स ऐड कर दिए हैं बाइक में जो कि फ्यूल इंजेक्शन में हेल्प करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको किक भी देखने को मिलता है जो कि बाकी BS6 बाइक्स जितनी भी अभी आ रही है वो किक अभी नहीं दे रही है BS6 में, बट बजाज ने इस बार किक को ऐड किया है। और ये काफी अच्छा बात है, अगर आपकी बैटरी कभी डेड हो जाती है तो आप इजीली मतलब किक से अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा बात है, जो कि मतलब इमरजेंसी के टाइम पर आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये आपको सेम पहले जो ब्रेक्स देखने को मिलते थे रेयर में, वही ब्रेक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका एग्जॉस्ट का, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कैथलेटिक कन्वर्टर भी देखने को मिल जा रहा है जो कि काफी बड़ा साइज का है। अब इधर आ जाइए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक ये आपको SS का प्लेट भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको इसका हीट से प्रोटेक्ट करता है, जो कि काफी अच्छा बात है। अब हम बात करते हैं इसका रेयर का, तो रेयर में आप यहाँ देख सकते हैं, आपको टायर हगर देखने को मिलता है जो कि मतलब काफी अच्छा बात है। और अब हम बात करते हैं इसका टायर का, तो आप यहाँ पर टायर देख सकते हैं, आपको रेयर में भी यूरो ग्रिप का ही टायर देखने को मिलता है जिसका की साइज यहाँ देखिए, टायर आपको इसमें 100/90 का देखने को मिलता है, 17-inch का टायर आपको देखने को मिलता है जो कि मतलब सेम आपको पहले वाला ही टायर है, तो टायर काफी अच्छा है इसका, जो कि इसका अलॉय व्हील आपको सेम देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके रेयर का, तो रेयर यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सेम 150 वाला ही जो टेल लाइट है आपको इसमें देखने को मिलता है, तो पल्सर का आइकोनिक लाइट जिसमें कि आपको बैकलाइट में कोई भी चेंज नहीं आया, ये LED है। और यहाँ पर आपको BS6 का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा बात है। अब हम बात करते हैं इस साइड का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इसमें यहाँ पर साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है जो कि अब RTU की तरफ से कंपलसरी है, तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और आपको सेम सस्पेंशन देखने को मिलेगा नाइट्रोक्स का, जो कि आपको पल्सर 150 में देखने को मिलता है, वही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ फुटबैक्स मिल जाते हैं और ये आपका गियर है, तो इसमें भी आपको सेम गियर देखने को मिलता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 down 4 up, मतलब एक नीचे 4 ऊपर, 5 gear आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। 125cc की है, बट वन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर वेरिएंट है, नियॉन एडिशन है, तो इसमें आपको यहाँ पर भी ब्लू कलर का देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है बाइक को। तो अब हम बात करते हैं इसका बैक लुक का, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बैक का जो लुक है उसे भी चेंज कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बैक में अब आपको इसमें LED लाइट्स देखने को मिल जाता है जो कि पहले आपको LED देखने को नहीं मिलता था, और जो इसका लुक है बैक में वो काफी अच्छा आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसका टायर्स का, बैक का, तो आप बैक में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको MRF के टायर्स देखने को मिल जाते हैं जिसका की साइज है यहाँ पर 100/80 18 inch का आपको इसमें अलॉय व्हील देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं रेयर का सस्पेंशन का, तो जो पहले आपको इसमें सस्पेंशन मिलता था 5 step adjustable, वही सेम सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिलता है 5 step adjustable, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो आपको चेन देखने को मिलता है वो कवर चेन देखने को मिलता है, जिससे कि बाइक का जो मेंटेनेंस है वो काफी कम आएगा एज कम्पेयर टू ओपन चेन, जो कि हीरो का काफी अच्छा बात है। इसमें आपको साड़ी गार्ड भी देखने को मिल जाता है जो कि मतलब RTU की तरफ से कंपलसरी आपको सारी बाइक्स में देखने को मिल रहा है।
तो अब हम बात करते हैं इसका इंडिकेटर्स का। तो आपको इसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि जिसका भी डिजाइन आपको चेंज कर दिया गया पहले से। और अब इसका ग्रैब रेल्स का बात करते हैं, तो आपको ग्रैब रेल्स भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, जिससे कि आपको ग्रिप काफी अच्छा मिलेगा। और आपका जो इसका सीट है वो आपको सिंगल सीट देखने को मिलता है, सिंगल पीस में स्टेप सीट देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं इसका सीट हाइट का। तो फ्रेंड्स आप सीट हाइट देख सकते हैं, जैसा कि मेरा पैर इजीली हट जा रहा है दोनों साइड में। तो अगर आपका हाइट अगर 5 फीट 3 या 4 इंच भी है तो आप इजीली इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसका साइड लुक का। तो साइड से ही आपको सेम टू सेम एकदम पल्सर 150 के जैसा ही देखने को लगेगा। डिजाइन में कोई भी चेंज नहीं है, बस आपका अगर ये 125 का जो स्टिकर है अगर आप इसे हटा दें तो ये सेम 150 के जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। डिजाइन में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता। और ये जो टैंक का वाला इसे नया ऐड किया है इस बार कंपनी ने, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था तो कंपनी ने ऐड कर दिया है, जो कि इस बाइक का लुक को और इन्हेंस कर दे रहा है। और इसमें आपको स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाता है। बस एक चेंज आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा इसमें आपको इंजन काउट देखने को यहाँ पे नीचे में आपको नहीं मिलता है, जो कि आपको 150 में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप उसे आफ्टर मार्केट भी अगर चाहे तो लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसका सीट का हम बात करते हैं, तो आपको इसमें सिंगल सीट देखने को मिलता है, स्प्लिट सीट देखने को नहीं मिलता है। चेंज अब हम आपको इसका हाइट दिखा देते हैं, तो आप इसका हाइट देख लीजिए कि आपका हाइट क्या रहता है इसका। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पैर दोनों साइड इजिली अट जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आप इसे इजिली आप चला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया मेरा हाइट 5 फीट 6 इंच है, अगर आपका 5 फीट 3 इंच या 4 इंच भी है तो आप इसे इजिली मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ज्यादा पावर वाली बाइक चाहिए, मतलब अगर आपको स्पोर्टी लुक और ज्यादा पावर चाहिए, तो आप पल्सर 125 के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 1 BHP पावर ज्यादा देखने को मिल जाता है अगर आप उसे ग्लैमर से कंपेयर करते हैं तो। और अगर आपको सिटी कम्यूटिंग के लिए अगर बाइक चाहिए थोड़ा, मतलब फैमिली पर्पज और फैमिली यूज के लिए, तो आप ग्लैमर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पावर भी थोड़ा कम देखने को मिल जाता है और आपको माइलेज भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाएगा ग्लैमर में एज कम्पेयर टू पल्सर 125। और फ्रेंड्स बात करते हैं रीसेल वैल्यू का। तो रीसेल वैल्यू भी आपको ग्लैमर में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो आप जैसे कि जानते हैं हीरो की बाइक्स का रीसेल वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। और फ्रेंड्स ये सब हो गए मेरे बात, अब आप देख सकते हैं कि आपको अगर हाइट के पर्पज से अगर बात करते हैं तो हाइट आपको दोनों में ही सेम देखने को मिल जाएगा। हाइट में आपको मेजर डिफरेंस किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हाइट के पर्पज से आप कोई सी भी बाइक ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।